हेलो ट्रेडर्स, दिस साइड सूरज। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आज जो है हमने एसएल हंटिंग का यूज़ करके अपने ट्रेड को एनालिसिस करके अपने ट्रेड को इनिशिएट किया। बेसिकली आप सभी लोगों को बता दो कि मैं जो कंसेप्ट यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए वो एसएल हंटिंग यूज़ करता हूँ। अगर आप लोगों को भी एसएल हंटिंग के बेसिक सीखने हैं तो आपको कमेंट में टाइप करना है एसएल हंटिंग। उसके बाद मैं आप सभी लोगों के लिए एक बेसिक एसएल हंटिंग का कोर्स लेके आऊँगा। बेसिकली आज के ट्रेड की बात करी जाए तो आज हमें पता था कि यहाँ पे बायर्स ट्रैप होने वाले हैं, तो इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे एसएल हंटिंग में एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है सेंटिमेंट ट्रेडिंग। तो बेसिकली सेंटिमेंट ट्रेडिंग एक कंसेप्ट है जिसके हिसाब से हम लोग प्रीवियस डे का मार्केट को एनालिसिस करके नेक्स्ट डे के मार्केट को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो इसके पहले दिन 4 अक्टूबर वाले मार्केट में क्या हुआ था, किन लोगों को ट्रैप किया गया। तो अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हुआ था और उसके बाद में ये जो सपोर्ट था क्लोजिंग प्राइस का, उसका ब्रेकडाउन करके मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया। इसी ब्रेकडाउन को देखते हुए काफ़ी सारे रिटेलर्स यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिए और मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस सेट करने के लिए ऊपर की साइड चला गया। तो बेसिकली देखा जाए तो 4 अक्टूबर को सभी सेलर लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए थे। तो उसके हिसाब से जो है आज 7 अक्टूबर को मार्केट जो है बायर के स्टॉप लॉस हिट करने वाला था। और ये कंफर्मेशन हमको तभी लग गई जब मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सस्टेन करने लगा और उसके बाद में मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट भी दिया। और ये जो है मार्केट जब भी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम करता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में सेकंड कंफर्मेशन हमें तब मिला जब मार्केट ने और एक ब्रेकडाउन किया जो कि 15 मिनट के कैंडल का। अगर आप देखोगे 15 मिनट का जो मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा देता हूँ, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रहा आपका 15 मिनट का ये रेजिस्टेंस था, बराबर है। और 15 मिनट का जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने जो है आज 1 मिनट के कैंडल में अगर आप देखोगे तो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मार्केट ने आज जो है सस्टेन किया था यहाँ पर। तो इसी के आधार पर इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए हमने जो है अपनी पोजीशन को यहाँ पे थोड़े ही रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को इनिशिएट किया था, जिसमें 87-88 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट 89 पॉइंट का था और वो टारगेट इजीली जो है हमें अचीव हुआ। तो चलिए यहाँ पे एक मैं छोटा सा एसएल हंटिंग का कंसेप्ट भी आप लोगों को समझा देता हूँ कि आपको याद रखना है जब भी मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बायर एक्टिवेट होंगे और उनके स्टॉप लॉस जो है वो नीचे की तरफ होंगे। तो इनको टारगेट करने के लिए मार्केट की प्रोबेबिलिटी होती है नीचे आने के लिए। और दूसरी बात, जब भी मार्केट क्लोजिंग प्राइस का रिजेक्शन लेकर अगर नीचे आता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और उनके स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होते हैं। तो मार्केट इनको हंट करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी।